का नाम लिखा होता है, इसे सचमुच से सीमा दीदी के भाग्य में सत्संग क्यों थी जानते हो? घर में बहुत कारण है, बहुत रहस्य कारण है। अभी तुगल के बाद में कथा जो कथा हुई इनका परिवार में कथा, और इसने और काली दिन रात भाग दौड़ करके पूरा कथा हुई, तो उसने वहीं पर सात आठ दिन वहीं पर हमारे तीन भर कहाँ प्रसाद पाएंगे, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, पूरा परिवार बाबा जी का जो परिवार था बड़े सब अरबपति हैं, बड़े धन्यवादी के परिवार है। ये तीन भार जो भागवत कथा हुई ना इसकी वजह से हुई है, और इतने लोग पाला लिया, इतने लोग परिवर्तन हुए, इतने लोग प्यार छोड़ दिए, रस छोड़ दिए, इतने लोग शराब छोड़ दिए, हम डंडा मार मार के शराब छुपाए, और कितने लोग माला लेकर भजन किए, इसने बहुत उन्हें उपकार किया, बहुत उसने उपकार किया लोगों को। कहते एक व्यक्ति को अगर किसने प्रभु का भजन में लगा दिया, हमारे प्रभु का कहते करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल किसने खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज कोई खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को भगवान की भजन में अगर किसी लगा दिया, उससे करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलेगी जो एक व्यक्ति को प्रभु का भजन में लगा। इसलिए हमारी सीमा दीदी काली दीदी क्या की, जा करके सबको सबको माला दिलवाना, सबको भजन करवाना, सबको इसलिए इसने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए देखो इसके घर में कोई सत्संग की बात थी नहीं, लेकिन देखो ऐसे सुजोग ऐसे देखो किसकी वेंटिलेशन में कोई चली गई है, चली गई तो बोले पता नहीं ये शरीर नहीं छोड़ दे, इसको पड़ोसी वाले थे इसलिए उन्होंने वहाँ पर कैंसिल कर दी। देखो उनका भाग्य भी देखो, देखो जिस घर में सत्संग होता होता कितना भाग्य, देखो जो वेंटिलेशन में चली गई वो सोचे तो मरी जाएगी, जिंदा नहीं रही, लेकिन देखो ये भगवान की कथा की कितने महिमा, उनके भाग्य में जिनके घर में भी गए थे ना, उनके घर में सत्संग कीर्तन थी, मानो मरे हुए बच्चे जो कुछ जो बोल दिया था इसे जिंदा नहीं रही, लेकिन थोड़ी देर में देखा ना डॉक्टर बोले उसको वेंटिलेटर से निकाल, बढ़िया हो गया, उसको ऑक्सीजन निकाल दो, उसको अच्छी हो गई, वो मरते हुए व्यक्ति वो जिंदा हो गई, मरते हुए व्यक्ति इतने ये सत्संग की महिमा, जिनकी भाग्य में था नहीं उसको भाग्य में हो गया, और जिसको छूट गया था फिर दोबारा चले गए उसके घर, फिर अभी वहाँ कीर्तन करके फिर सत्संग करके फिर इनके घर में हम आ गए। इसलिए जो शंकर जी पार्वती को कहते हैं, पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बार, पार्वती ये जो सत्संग है ना बड़े किस्मत वालों को सत्संग मिलता है, अगर एक निमिष मिल जाए, आधा घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनी आज तुलसी सत्संग नासे कोटि बार। इसलिए सब जो आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, जो कि आज हम सबके सब यहाँ उपस्थित हुए, उपस्थित हुए सबके सब भगवान की कीर्तन और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, और इसकी जो समय है हम लोगों को सबके सब नवदुर्गा है ना, क्या नवरात्रि, ये नवरात्रि भी चल रही है, ये भी अच्छी दिन है, इस समय में जगह जगह पर भगवान राम की कथा होती है, 9 दिन तक भगवान राम की कथा होती है, और आप लोग तो घर घर में देखा माँ देवी घर घर में सब पूजा पूजा कर रहे हो, नवरात्रि पालन कर रहे हो घर घर में है, इसलिए ये जो माता जी है ना ये वैष्णवी, ये वैष्णवी इनका 8 हाथ में भी एक माला है, 8 हाथ में भी एक माला इनका, लेकिन जब हम लोग राधा रानी की शरण में आ जाते हैं ना फिर और इसका व्रत नहीं रखते, एक राधा रानी की व्रत रखने पर राधा जी की पूजा करने पर, क्यों राधा रानी कौन मतलब उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमने आमाई, ये जितने उमा रमा सत्या सची दुर्गा देवी कौन है बोले राधा रानी से सबके सब प्रकाश होते, राधा रानी मूल है, जब से राधा रानी को पूजा करते हैं सबका पूजा हो जाती है, राधा रानी खुश हो गई मतलब कि जितने सारे देवी उनसे तो प्रकट होती है खुश हो जाते हैं, कृष्ण कौन है जितने 33 करोड़ देवता सबके सब कृष्ण से प्रकट होते हैं, जब कृष्ण खुश हो जाते हैं 33 करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाते हैं, इसलिए जब तक हम भक्ति में नहीं आते तब तक सब करते रहते हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति में आ जाते हैं ना बस हम एकनिष्ठ होकर के राधा रानी को भक्ति करते हैं और श्री कृष्ण भक्ति करते हैं, इनकी भक्ति करने से माँ देवी अपने आप खुश हो जाती है, माँ देवी तो वैष्णवी है ना, मूल वैष्णवी तो श्री राधा रानी है, इसलिए और इसी समय पर
घर में अभी रामनवमी में आएगी ना कुछ दिन बाद भगवान राम लाला भी जन्म लेने वाले, प्रभु राम का भी जन्म तिथि आएगा। और इसी समय में यहाँ पर घड़ी में है, घड़ी में जो घर घर में प्रोग्राम हो रही है, समझो बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छे समय तुम्हारी यहाँ कथा थी है, कथा थी बहुत अच्छे समय पर कथा थी। और घर घर में भी प्रभु की कथा हो रही है, कीर्तन हो रहे, बड़े भाग्य की बात। हाँ एक स्टोरी सुन लो, हरे कृष्णा, सब सब स्टोरी को याद करना, भगवान कथा ठीक है ना। भले एक कोई राज्य था, राज्य में जब कोई राजा होता था ना, वो 5 साल के लिए राजा होता था। जब 5 साल उसको बीत जाती थी, वहां पर एक टोपी को उछाल देते थे, फिर वो टोपी जिसको पर गिरेगा वही 5 साल के लिए राजा होगा। एक समय कोई एक शहर में था, एक गांव में कोई जो गांव में जो काम करता है मजदूर, वो गया था शहर में अपना काम धंधा करने के लिए। उसको ये बात बताई नहीं कि क्या होता है, लेकिन वहां पर तो बड़ा बड़े टहल चाले लोग भी, यहाँ क्या हो रहा है देखने के लिए गया, क्यों भीड़ है, लेकिन देखा वहां पर टोपी उछाल रही है। लेकिन जिसको सर पर गिर गया उसको 5 साल के राजा बन गए, टोपी उछाल तो उसको सर पर गिर गया, सर पर गिर गया उसको कुछ पता नहीं, अरे लोग आए उसको ऊपर उछाल उछाल कर देश का राजा मिल गया, देश का राजा। अरे भैया क्या बात है, क्या देश का राजा मिल गया, हम तो यहाँ काम धंधा ढूंढने के लिए आए थे गाँव से। भले यहाँ पर एक नियम है 5 साल राजा बनता 5 साल के लिए, उसको बाद में टोपी उछालते हैं, जिसका सर पर गिर गया वही राजा। अब तेरे सर पर गिर गया तू राजा, बोले राजा 5 साल के लिए, बोले कितना दिन के लिए, बोले 5 साल के लिए, बोले 5 साल बाद में, बोले चलो तेरे सब कुछ दिखाएंगे 5 साल बाद में क्या होगा। उसको ले गए, बोले ये तुम्हारी राजभवन है, और तेरी ये रानी है, राज रानी तुम्हारी रानी है, और तुम्हारी ये है, ये सवेरे मणि गुआ करने के लिए तुम्हारी गार्डन है, और बैठक के लिए ये तुम्हारी बैठक खाना है, सोने के लिए ये तुम्हारी बेड रूम है। बोले भैया कितना दिन के लिए, बोले 5 साल के लिए, बोले उसको बाद में, बोले चलो सब कुछ दिखाएंगे तेरे को, चिंता मत करो, ये सब दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखाते, बोले उसको बाद में, उसको बाद चलो ना सब दिखाएंगे। जब ले गए, बोले 5 साल बाद में क्या होगा, बोले देख देखा एक खाई, बहुत बड़ा समुद्र है, और देखा उसको बड़ी दूर में एक जंगल, घना घोर जंगल, जिसमें शेर चीता और जिसमें हाँ जिसमें बड़े हिंस्र जानवर रहते हैं, और जो बीच में जो समुद्र है ना उसमें मगरमच्छी है। बोले 5 साल बाद में ना ये जंगल में तेरे को छोड़ देंगे, और वहीं पर तेरे को नाश्ता कर देंगे, सब खा जाएंगे। बोले हे भगवान मुझे फंस गया कहीं है, कहीं तो फंस गया, कहीं 5 साल बाद में मर जाऊंगा, छोड़ देंगे तो मर जाएगा, बीच में आ भी नहीं सकता, क्यों मगरमच्छी खा जाएंगे बीच में। बोले भैया कहाँ फंस गया अभी, लेकिन वो जो व्यक्ति है ना बड़ा चतुर, बड़ा चालाक था, हैं? बड़ा चालाक था उसने, इसने क्या कि कुछ दिन तक के लिए बहुत दिन तक सोचा क्या करे क्या करे, क्या करने पर इससे बच सकते, क्या करने पर इससे बच सकते। इतने में उसने क्या किया, बड़े बुद्धिमान था उसने क्या कि बोले 5 साल के लिए मेरा पास में क्या रहेगा, बोले जितने तुम्हारे राजकोष तेरे पास में, जितने सैन्य सामर्थ्य तेरे पास में, सारे पैसा सब तेरे पास में रहेगा। बोले इसका जो नियम 5 साल के लिए अगर मैं बदला सकता हूँ, बोले ये नहीं बदला सकता, 5 साल ही तो राजा बन सकते हो। सोच सोच कर उसने क्या कि सैन्य सामंत को लेकर बैठा है नौका में, बड़े नौका में बैठा है, नौका में बैठे सैन्य सामंत लेकर गया, और लेकर तो जंगल में गया। जंगल में जाकर के ना जितने हिंसा जादु था, बढ़िया सुंदर चिड़ियाखाना बनाया। चिड़ियाखाना देखे कि नहीं तुम लोगों ने, कौन कौन चिड़ियाखाना देखे, अलग बाघ को अलग जगह पर, हाथी को अलग जगह पर, चिड़िया को अलग जगह पर, सभी के लिए उन्होंने बढ़िया चिड़ियाखाना वहां पर बना दिया, सुंदर। और वहां पर जंगल को काट करके साफ सुथरा करके ना, इधर जैसे राज्य था इसी से भी सुंदर उसने रोड बना दिया, और वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर मार्केट और दुकान मकान, यहाँ पर जैसे राजमहल था ना, इसी से भी ज्यादा सुंदर राजमहल वहां पर बना दिया, और लोगों को लेकर के घर द्वार बैठा दिया, इससे भी सुंदर बना दिया। लोग तो देख देख बोले बाबा रे बड़ा चालाक निकला। सब लोग तो 5 साल क्या करते, 5 साल के लिए रह सकता है राजा, खूब भोग करते थे, खूब भोग भोगते थे। लेकिन जब आता था, जितने काम दिन होता जाता था ना, रोता था, सर को पीटता था, क्योंकि उसको बाद में उसको मरना है, उसको बाद में उसको मरना है, रोता था। लेकिन इसको क्या हो गया, जितने दिन बीतते जा रहा है ना, जितना दिन उधर आते उतना आनंद हो रहा है, उतना खुश हो रहे हैं। सबने देखा भैया
पहले जो होता था तो बड़ा दुखी होता था मरने वाला पर उसको, लेकिन ये तो बड़े खुश है, बड़े खुश, आनंद ही आनंद है, हैं आनंद ही आनंद है। इसको पूछे भैया, कुछ लोग को पता नहीं था, अंदर अंदर में सब कर डाला है। जब मरने का समय आया, भैया तू तो बड़े खुश हो रहे हो, तेरे अंदर में कोई दुखी नहीं, पहले जो राजा होते तो बड़े दुखी होते, मरना पड़ेगा, सिर पीटते थे, बोले दुखी क्यों, तुम सुखी क्यों, बोले जानता हूं मैंने क्या किया, इधर जैसे राज्य दुकान घाट मकान इस सभी सुंदर मैंने उन्हें उधर बना दिया, क्यों सारे राजकोष पैसा मेरे पास में सबके सब संगे सहमत है, इससे बढ़िया बना दिया हमने। जब 5 साल बीत गया ना, ये खुश होकर, पहले तो दुखी होकर लोग तो खुश, बोले बताओ मंत्री क्या करेगा, अभी क्या करना चाहिए मेरे को, 5 साल तो बीत गया। बोले भैया तेरे जैसे बुद्धिमान हमने अभी तक देखे, जो जाता था ना उसको जोर जबरदस्ती बांध करके ले जाते थे, क्योंकि रोता था, जानता है जानवर मेरे को खा जाएगी, हैं? लेकिन तू तो बड़े खुश, तू इतने चालाक निकला, यहाँ से भी सुंदर बना दिया, आज से ना यहाँ का भी राजा तू और वहां का भी राजा तू, राजा दोनों का राजा तुम बन जाओ, हैं? देखो इसमें, देखो इसमें शिक्षा की क्या बात है, अच्छे तरह से इसका शिक्षा लेकर जाओ। देखो यहाँ रहने के लिए हमने इतना सुंदर मकान बनाया, दुकान बनाया, अपना घर बाथरूम बनाया, बेडरूम घर में एसी लगाए होंगे, सब कुछ घर में किया होंगे, लेकिन कभी क्या सोचते हो मरने के बाद कहाँ जाना है, उसको तो फिक्स था 5 साल रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर कोई बोल सकता है 5 साल रहूंगा, अभी कोरोना आ गया, बीच में कितने लोग मर रहे हैं, अगर बीच में अगर कोरोना पकड़ लिया, राम राम सत्य हो गया तो गया सब गया। अभी जो माता जी वहां पर है ना, हटात उनको क्या हुआ, वेंटिलेशन वाली आतंक से बच गई, इसलिए कब हमारी मृत्यु होगा ना कोई नहीं बोल सकते हैं। हम किसको भजने के लिए बोलो ना, क्या मर रहे हैं, अभी भजन करेंगे, करेंगे जब इच्छा होगा। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं भैया जो श्वास हमने छोड़ी है ना, वो श्वास भी हम ले पाएंगे जिसको पास में गारंटी नहीं, निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति, निश्वास कब बंद हो जाएगा इसको कोई नहीं बोल सकता है, हैं? कब बंद हो जाएगी कोई बोल नहीं सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज बोले 5 साल उम्र से भजन करना शुरू करो, कितना साल से, 5 साल। तो बच्चों ने कहा 5 साल से क्यों करेंगे, बड़े होने पर करेंगे। प्रहलाद ने कहा तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, कोई गारंटी कार्ड किसके पास में है, क्या इतना जिंदा है कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता। बोले तो अगली जीवन में, बोले भैया ये जीवन बारम्बार नहीं मिलता है, ये तो 84 लाख ब्रह्म के ये नरतन है, ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार तुमको जीवन दिया, ये जीवन बारंबार नहीं मिलती है, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला। इसलिए भगवान कहते देत इस बिनु हेतु सनई, भगवान कैसे हटात तो दे दिया तुमको, ये मिलने वाला नहीं था, कैसे तुमको मिल गया, कैसे हैं? इसलिए यहाँ पर जैसे हम मकान दुकान सब कुछ तैयारी कर रहे है, क्या करना पड़ेगा, जिंदा रहते रहते ऐसे काम करो जैसे मरने का बाद है ना, इससे भी सुंदर दुकान मकान जैसे तुमको मिले, कैसे मिलेगा। इसलिए कबीर ये बात को कबीर कह रहे हैं, कबीर क्या कहते हैं, बोले जगत में मरने में सब जग डरे मेरे मन आनंद, बताओ कौन मरना चाहते हैं, अभी कोरोना आई ना कुछ दिन, अभी थोड़ी सी कोरोना में फ्री होकर घूम रहे हो, पहले जब कोरोना आई थी क्या सब घर में बंद हो गए, घर में अगर सब्जी वाला कोई आ गया ना, मैंने सुना था कहीं सब्जी वाला आ गया, वो सब्जी वाला भी कोरोना कहीं निकला, और जितने लोग उसने सब्जी लेकर गए थे ना वो इतने डर गए, कुछ लोग तो छत से कूद कर मर गए, छत पर कोरोना हो गया है, कुछ लोग तो अपने आप, कोई बीमारी था नहीं, हठात कोई थोड़ी हुआ उन्हें सूंघा सूंघा, बोले भैया सचमुच से कोई गंध नहीं आ रहे, लगता है मेरा कोरोना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट अटैक में मर गया, छत मेरे को कोरोना हो गया, ऐसे ऐसे लोग मरे हैं। इसलिए कबीर कहते हैं जग में मरने में सब जग डरे, सारा दुनिया मरने के लिए डरता है, लेकिन कबीर कहते हैं मेरा मन आनंद है, मैं तो खुश हो रहा हूँ। भैया सारा दुनिया मरने के लिए डरते हैं, तू खुश क्यों हो रहे, देखो कितनी बड़ी बात वो कहता है। बोले क्यों मेरे मन में खुश है, वो कहते जिंदगी भर मैंने माला जब की हरि नाम की, मेरे को पता है ये माला जो माल है ना, माला नहीं है माल है, मैंने ये माल को इकट्ठे किया, कले राम नाम के हीरे मसी मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम क्या पर आवाज लगाओ, अगर प्रभु का नाम रूपी धन लुटोगे ना, ये पूरा के पूरा तुम्हारे नाम पर डिपोजिट है,
इसको कोई नहीं ले सकते, चोर नहीं ले, लूटे नहीं जावे, दिन दिना बढ़त समय, इसको कोई नहीं ले सकते, मरने के बाद पूरा पूरा ब्याज समेत तेरे को मिलेगी। सब चित्रगुप्त लिख रहा है, अपना कापी में सब नोट कर रहा है, कितने माला कर रहे हो, कितने बहू बेटियों को चुगली करती हो, कितने इधर सब लिख रहा है। इसलिए इधर उधर बात नहीं करके क्या करना, समय मिलेगा तो माला जप करो, कि जो चित्रगुप्त है ना उसको कोई धोखा नहीं दे सकते, वो सारे बात कोई देख रहा है ऊपर ऊपर से, हैं कोई सोचेगा तो मैं छुप कर कुछ कर रहा हूँ, किसको क्या भाई, सब कुछ को पता, सब नोट कर रहा है। मरने के बाद कापी खोलेगा, तुमने क्या क्या किए हो, हैं पिछले समय को बर्बाद मत करो, समझ रहे हो साहब, माला जप करो, और जितने माला जप कर रहे हो वो चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं भैया कि भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की भजन कर रहे हैं। इसलिए एक थे गोपाल कोई एक थे, उन्होंने क्या करते थे, वो क्या करते थे, उन्होंने एक कापी बना देते, कापी बनाकर ना हर व्यक्ति को दे देते थे, बल्कि इसमें हरे कृष्ण नाम लिखो, नहीं तो कोई राम नाम लिखो, हैं? जब वो कापी पूरा हो जाता था, उनका नाम प्राण गोपाल है, उन्होंने क्या करते, उन्होंने एक बैग खुला है, जैसे बैग में पैसा डिपोजिट करते है ना, पैसा हम जमा करते हैं, फिर जमा कर दो तो फिर मिलेगा, वो क्या करते थे, उन्होंने एक बैग खोला, उन्होंने क्या करते थे, कापी सबको पकड़ा, चलो कापी लो, लिख करके बोलते थे इसमें, जैसे हम लोग हरे कृष्ण जो करता है उसमें, जो सीताराम सीताराम करते, जो राम का भक्ति उसमें लिखते थे, जो कापी पूरी हो जाती थी, जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते थे, उसको उसमें डिपॉजिट करते थे, हैं, क्योंकि असली धन तो प्रभु का नाम है, उसका तो ब्याज मिलेगा, इसलिए बस बोले पूरा का पूरा उसका ब्याज समेत अगले जीवन में सबके सब तेरे को, सबके सब तेरे नाम पर जमा हो रहा है। इसलिए हम लोग जो माला जप करते हैं ना, इसमें साखी है, देखा कि नहीं, इसमें साखी है, ये साखी है ना, ये साखी है, इसको कहते हैं साखी, सब माला लिए ना कि नहीं, कितने, जब एक माला करते हैं हम एक मोती नीचे उतार देते हैं, दूसरे करते दूसरे, तीसरे करते तीसरे, अगर ये 16 अगर उतार दिया तो कितना हो गया, 25,000, वह नाम पर 25,000 नाम हो गया, डिपोजिट हो गया है, और अगर 1,00,000 कर दिया तो 4 बार अगर 16 कर दिया 1,00,000 हो गया, पूरा के पूरा तुम्हारे नाम पर बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं। इसलिए हमारी अगर 1,00,000 कर दिया तो लखपति बन गई। इसलिए कबीर खुद कहते हैं कि मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ, बोले किस लिए, बोले भैया प्रभु का भजन कर रहा हूँ, माला जप कर रहा हूँ, अंतिम समय में पूरा के पूरा हमारे लिए तो VIP व्यवस्था रहेगी, हमें तो भगवान के चरण में स्थान मिलेगा, क्यों, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। और दूसरे लोगों को क्यों डरते हैं, डरते हैं क्यों, भजन नहीं किया ना, हरिनाम हरिनाम किया ना, डंडे मारते मारते ले जाएंगे, हम मरने के लिए क्यों डरते हैं, तुमको पता है, कोई बता सकता है मरने के लिए क्यों डर रहे हैं, कौन बोलेगा, बोलो, मरने के लिए हम क्यों डरते हैं, कौन बोलेगा, कष्ट बहुत, अरे बोलो कौन बोलेगा, मरने के लिए हम क्यों डरते हैं, कौन बोलेगा, हाथ उठाओ, तुम बोलो, बोलो किसी लिए डरते हैं, अरे थोड़ा बहुत याद करो, कल कथा सुधर सुने इधर निकाल दो, बात देखो, इसलिए इसलिए हम डरते हैं, सुन लो, इसलिए हम डरते हैं, जब एक व्यक्ति मरता है ना, शास्त्र में बताया अगर एक बिच्छु किसको काट देना, बिच्छू इतने दर्द होता है, लेकिन मरते समय 10,000 बिच्छू अगर एक साथ में एक व्यक्ति को काटते हैं, वो जितने कष्ट होता है मरते समय उतना कष्ट होता है। अब मरने के बाद उसको नर्क भोग करना पड़ता, फिर बेहतरीन नदी पार करना पड़ता, गर्म रेतियों के ऊपर घिसड़ते घिसड़ते ले जाते, कुत्ते सियार मांस को नोच नोच कर खाते, ये सब जन्म जन्मांतर से ना हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, जन्म जन्मांतर, मरने पर ही तुमको कष्ट, जब बकरी बनते हो देखा ना कैसे टांग लटका करके चमड़ा उतारते थे, मुर्गा को कैसे मारते थे, टांग कैसे पकड़ कर ले जाते, जैसे कपड़ा निचोड़ते ना ऐसे कलम, ये सब जन्म जन्मांतर में हम मरते मरते आए, और इसका दुख कष्ट हमारे अंदर में बैठा हुआ है, है? उसका जो महसूस अनुभूति बैठा हुआ, इसलिए मरने का बाद सुनते हैं, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम, मरना नहीं चाहते, इसलिए डर क्यों, मरने का बाद कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कबीर जी कहते जो भगवान की भजन करते हरिनाम करते ठाकुर का भक्ति करते ना, बड़े आनंद, क्यों, भगवान के मरने का बाद उसको कष्ट नहीं होता है, उसको तो भगवान का वैकुंठ से गोलोक वृंदावन से रथ आता है, उसको लेने रथ आता है लेने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जैसे मकान बनाए बढ़िया सुंदर बनाए, अगर मरने के बाद वहाँ के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, मरने के बाद बढ़िया व्यवस्था कब होगा, अगर यहाँ पर भजन अगर किया होगा तो मरने के बाद इससे भी बढ़िया घर मिलेगा,
ऐसे घर मिलेगा ना, एसी की जरूरत नहीं, बगैर एसी का ठंडा रहेगा। भागवत में कहते हैं वहां पर जाओगे ठाकुर के पास में भूख नहीं लगेगा। जो बूढ़ा बूढ़ी हो गई ना, कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होता है वहाँ, बाल नहीं पकेगी, बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगी वहां पर कोई है, वहां भूख नहीं, प्यास नहीं। आप देखना कृष्ण का जितना सखी, राधा रानी की देखो कितना उम्र, देखो राधा रानी की सखी देख रहे, दो चार चार खड़ी, देखो इनका उम्र कितना, कहते किसको 11 साल, किसको 12 साल, 13 साल, 14 साल, इससे उम्र ज्यादा सखियों की नहीं होती है। और कृष्ण के जितने सखा है ना, कृष्ण को देखो कभी 14.5 साल से कृष्ण कभी बड़े नहीं होती है, राधा रानी 13.5 साल से कभी उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती। जितने कृष्ण के ग्वाल बाल होते हैं ना, वहां पर कोई 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, इससे कोई बड़े नहीं होते हैं। अगर ठाकुर का हरि नाम करोगे ना, क्या होगा, ठाकुर के पास में जाओगे, कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा, कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा। अभी भी कोई बूढ़ा बूढ़ी बनना चाह रहे हो, बताओ कौन यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी बनना चाह रहे, कोई जन क्यों, कोई बूढ़ा बूढ़ी बनना चाहते हो, बताओ कौन, कोई होना नहीं चाहते, क्यों नहीं होना चाहते जानते हो, क्योंकि वो कृष्ण का हम बच्चे हैं, उनका अंशा हमारे अंदर, वो कोई बूढ़े नहीं होते हैं, इसलिए हम भी, कहीं राधा रानी कभी बूढ़ी नहीं होती है, इसलिए हम भी चाहते कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं बनना चाहते। अगर चाहते हो चिरकाल के लिए अमर बन जाए बूढ़ा बूढ़ी, बस हरि नाम करो, ठीक है, हरि नाम करो, गले में तुलसी की कंठी पहनो, तिलक लगाओ, ठीक है, बस इसको करोगे ना, बस राधा रानी सखी बना करके अपना चरण मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सबके सब हरि नाम करना, माला जप करना, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, इतना मैं तो सब जगह एक ही कहता, कंठी तिलक माला, ये तीन चीज को ठीक कर लो। जैसे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीजा और टिकट चाहिए, पासपोर्ट किया गले में कंठी, वीजा किया तिलक, टिकट किया प्रभु का नाम, बस ये तीन चीज ठीक करो, ठाकुर के पास में पहुंच जाओगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, और प्याज प्याज लहसुन नहीं खाना, कुछ कुछ माता है प्याज लहसुन खाती है, जैसे अभी नवदुर्गा ही ना, 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन खा रहे हो, नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे, माता जी को पसंद नहीं, कभी नहीं खाते ना, इसको बाद में भी प्याज लहसुन पूरा छोड़ दो, ठीक है ना, पूरा प्याज लहसुन छोड़ करके भगवान को भोग लगा करके शुद्ध रूप में बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ और खुद भी खाया करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि लाल जी आपको हो, अभी ले चलेंगे बरसाना, अब बरसाना लेकर के कहाँ पर, बरसाना में कहाँ ले चलेंगे, रंगीली गली, रंगली गली में क्या होता है, होली होता है। अभी आपको डोरीलाल प्रभु जी आपको रंगली गली में लेकर के वहाँ पर सब गोपियों पर गुजरी को नाच में जाएंगे, एक भजन सुना, हाँ वो कहते मैं एक भजन सुनाऊंगा, उसके बाद में एक गुजरी गुजरिया खोल भाव के मुखे प्रभु भाव ही बस सार है, भाव से हरि को भजे तो भाव से बेड़ा पार है, त्याग देते हैं हरि गाड़ी भरे पकवान को, बीज जाते हैं हरि एक पोस्ट पर एक पान पर, रीझ जाते हैं हरी एक पोस्ट पर एक पान पर, सिया है एक भोगी कन्हैया को निमंत्रण देकर के शादी शुदा भोगी सास नंद के डर की वजह से और घर वापस चली गई निमंत्रण देने कन्हैया को, कन्हैया मेरे घर कब आए हो, कब मैं आपको लाड़ लड़ाऊंगी और कब मैं आपको काय करवा को माखन में सिखाऊंगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय गुजरिया खोल के
Yeah.
कबू नहीं दावे। बसाए में नन में गुजरिया Thank you.